माननीय निदेशक महोदय, प्रोफेसर सरोज यादव मैडम, प्रोफेसर अमरेंद्र बेहरा और जो हमारे मुख्य अतिथि थे श्री एरिक फॉल्ट, प्रोफेसर पूनिया जी और यहाँ उपस्थित एनसीईआरटी परिवार के समस्त सदस्य, बच्चे और उनके शिक्षक और हमारे जूरी मेंबर्स, सर्वप्रथम मैं तो सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबके आने से हमारा यह एनसीईआरटी ओलंपियाड में नहीं कहूँगा महाकुंभ, हमारे देश का जो योग का महाकुंभ आज संपन्न होता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महाकुंभ में 3 दिनों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और योग गुरु निरंजन मूर्ति और सुश्री गीता जी का विशेष रूप से आभार। उन्होंने यह दिखाया कि हमारा भारतवर्ष एक है, मात्र आधे दिन में उन्होंने हर स्टेट के एक बच्चे को लेकर के और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इसी के साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने कल बोला था योगः कर्मसु कौशलम्, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जैसा कि अभी पूनिया साहब ने बताया कि यह पूरे विश्व में सबसे बड़ी तकनीकी संस्थान है, इसका लोगो या इसका मंत्र भी यही है, योगः कर्मसु कौशलम्। तो अब इस बात का पूरी तरह से स्थापना हो चुकी है और एक आंकड़ा आपको बताता हूँ कि अमेरिका में योग करने, सिर्फ अमेरिका, विश्व के अन्य देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अमेरिका में योग करने वालों की संख्या पिछले वर्षों में 50% बढ़ी है, जो कि यह दिखाती है कि हमारी संस्कृति का असर अब धीरे धीरे पूरे विश्व में हो रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है कि भारत, और हम सब का सपना है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें अब देर नहीं है। पुनः हमारे सभी सहयोगियों को, हमारे तकनीशियनों को, हमारे मीडिया से आए हुए मित्रों को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैडम प्रोफेसर सरोज यादव मैडम की टीम को पूरी एनसीईआरटी धन्यवाद देती है और उनका आभार व्यक्त करती है। जय हिंद, जय भारत।